Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Habibi Let's Go to Dubai on this channel where I've been doing my thing since 2018. I hope you guys have been following me since my first video. To those jo log mujhe ab tak follow kar rahe hain from my first video, welcome back to another video. और जो लोग ये पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, माय नेम इज असाम सिद्दीकी और इस सीरीज में मैं आप लोगों को घुमा रहा हूँ अपने साथ दुबई। हम लोग गए थे सितंबर में और दिस इज प्रोबेबली सेकेंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, सो यू बेटर गो बैक एंड वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट बिफोर यू वॉच दिस वन, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम दिस चैनल। इस वीडियो में यू विल सी द फेमस आलिया भट्ट रिकमेंडेड मिल्क केक फ्रॉम लेटो कैफे, लॉट ऑफ आर्केड गेम्स, बहुत सारा हंसी मजाक, थोड़ी बातें एंड आवर लेट नाइट बीच सेशन बिफोर वी पैक आवर बैग्स एंड लीव फॉर लंदन। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगे, प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा एंड विदाउट एनी फर्दर वेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I like this one. Yeah. I don't like that one. नहीं मुझे पसंद, मैं कवर की वीडियो में बोला था ऐसा लगता है किसी ने इस केक को सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया है और वो यूं करके फट फट गया है। And literally this is what it is. ये देखिए, this is the one I ordered. इसके अंदर गोल्ड प्लेट भी है। This is a standard cake. You want milk cake? आज हम आए हैं चाइना मार्केट और हम लेंगे चाइनीज कुर्ते। बैक फ्रॉम ड्रैगन वर्ल्ड राइट नाउ, हमने वहां से अपने लिए कुछ सामान खरीदा, सस्ता सस्ता टिकाऊ टाइप्स, और अब हम जा रहे हैं वापस घर की जानिब जहां पर हम जाके बहुत ही जबरदस्त लजीज खाना खाने वाले हैं। बहुत ज्यादा भूख लग रही है हमको, दबीब को नींद आ रही है, हम सोकर उठ चुके हैं। शहजाद गाड़ी चला रहा है बिकॉज ही इज द डेजिग्नेटेड ड्राइवर एंड बस आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर अस एट द मोमेंट। बाकी हम आपसे मिलेंगे कुछ अरसे में या कुछ देर बाद या कुछ लम्हों बाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आवाज अच्छी लग रही है तो एक कमेंट भी कर दें। चले बाय। अमल ये किसका स्माइली है? अभी मैंने आपको बताया था ना किसने दिया था ये मुझे? पप्पू जारा ने दिया था। यू लाइक इट? इट्स सो सॉफ्ट। फाइनली भाई एक साल बाद दोबारा मिल गया हुए। मार डाला, मार डाला। सीफूड खाने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा था हमारी बेगम का, तो हम आ गए हैं बुकातेर।
ये हैं प्रॉन्स जो कि हमने लिए हैं 1 kg, और उसके साथ ये एक फिश आई है जिसके अंदर कम काटे हैं, बहुत ज्यादा कम काटे हैं। वाह, व्हाट उर्दू आई स्पीक, अमेजिंग। और उसके साथ हमारे लिए इन्होंने एक सलाद, 2 आ रहे हैं पराठे, थोड़ी कढ़ी और उसके साथ कुछ राइस। हम करेंगे ये खाना पीना एंजॉय और आप करें इस वीडियो को एंजॉय। बहुत हो गया, आई एम सो स्लीपी राइट नाउ, आई कांट इवन टेल यू, आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, बट इट इज व्हाट इट इज। 2-3 दिन रह गए हैं और दुबई के अंदर, एंजॉयिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम। नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आप मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं, ये एक बहुत ही अजीम फनकारा है, एक उन्होंने सारी चीजें बनाई हैं पीछे खूबसूरत। हम इस वक्त बैठे हैं अपने दोस्त के घर, शहजाद के घर, जहां पर मैं 3 दिन पहले मूव हो गया था। अपेरेंटली वीडियो का शायद दिमाग में नहीं रहा या टाइम नहीं मिला, इतना बिजी शेड्यूल, स्केड्यूल, कौन सी प्रोनाउंसिएशन है भाई बता दो, बैंड बजी हुई थी। आई थिंक आई स्लेप्ट घोड़े घरे बेचकर फाइनली लास्ट नाइट, बट आई स्लेप्ट अराउंड 4 अगेन, आई गॉट अप अराउंड 11, सो आई थिंक इट्स अ डिसेंट टाइम, मतलब जल्दी उठ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी नींद पूरी कर ली है। अब नाश्ते का वक्त है, बैल्कनी साफ हो रही है, विंटर इज कमिंग, बट थोड़े दिनों बाद आएंगे यहाँ पे, तो बट यूके में आ चुके हैं। आज हमें जाना है मेरी पेंटिंग्स के फ्रेम्स बनवाने के लिए, ताकि मैं आसानी से उनको अपने साथ यहाँ से ले जा सकूं, क्योंकि पता नहीं है रास्ते में कौन किस तरीके से उसको कहाँ पर पटक दे, कुछ चीज के अंदर घुस जाए, आई डोंट नो, आई जस्ट होप नथिंग लाइक दैट हैपेंस, बट इट इज बेटर टू बी सेफ। वो सब नाश्ता करेंगे एंड देन वील गो टू द सतवा मार्केट, वहां से हम जाके सामान लेंगे अगर मिल गया तो। जी हाँ, लेट्स डू इट, नाश्ते का वक्त हुआ जाता है, आप भी मेरे से चल के नाश्ता करें। व्हाट इज मेडिकेशन फॉर फिशेस। हम निकल चुके हैं सतवा की तरफ और आपने शक्ल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, आंखें लाल हो रही है क्योंकि मैं छींक रहा हूँ यहाँ पे, मजा आ रहा है बहुत। स्टिल आई नाउ रिमेम्बर कि एक साल पहले जब हम यहाँ रहते थे तो कुछ ऐसी सिमिलर सिचुएशन होती थी मेरी, बट सिंस आवर बॉडीज हैव चेंज्ड नाउ बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, द वेदर, व्हाट यू कॉल दैट, हमारा रूटीन, डेली रूटीन एंड ऑल, तो इस वजह से इस वक्त थोड़ा सा अप डाउन होना शुरू हो गया मामला। आंसू आ रहे हैं, नजला बह रहा है, अभी दवा खाई है, सो होपिंग के थोड़ी देर में सही हो जाएगा। तो खैर अब जाएंगे, आपको सतवा भी दिखाएंगे, सामान भी लेंगे और ये लॉन्ग राइड साथ साथ एंजॉय करेंगे। हमारे डेजिग्नेटेड ड्राइवर एज ऑलवेज मिस्टर शहजाद खान इज देयर, ये हमें घुमाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे और हम चलते रहेंगे। ये हालत हो रही है, पहली शॉप में तो काम नहीं हो पाया, उस बंदे ने मना कर दिया और उसने बोला कि 7 दिन लगेंगे एटलीस्ट आपका काम होने में, क्योंकि ओरिजिनली 4 घंटे का काम है, लेकिन उन लोगों के पास बहुत सारी चीजें पहले से लाइनअप हुई हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया। अब आए हैं हम सतवा इस दुकान में, शहजाद अंदर गया है, देखते हैं क्या बात होती है, काम होता है या नहीं होता। वी ऑलरेडी हैव अ बैकअप, सो लेट्स सी। उससे पहले वाली शॉप में हम लोग गए थे, वहां पे उस बंदे ने हमें बताया था कि 200 दिरहम के आसपास आपका खर्चा आएगा इस सब के अंदर, इस शॉप से हमें 80 दिरहम के अंदर सारे का सारा काम होकर मिल रहा है, सो लेट्स सी। और 15-20 मिनट में बना के भी दे देंगे, मीन वाइल वील गो रोम अराउंड इन द सेम एरिया, हमें और सामान लेना है तो वो सामान लेंगे और फिर उसके बाद चलते बनेंगे। क्या हुआ शहजाद, खुला नहीं है? अच्छी दुकान वाले के पास खुला नहीं है, कैसे चलता है यहाँ पर? पेंटिंग्स के लिए यही जो डब्बा बन रहा है
जो जो लकड़ी का डब्बा बन रहा है, लकड़ी का बॉक्स बन रहा है, उसके लिए हम अलग कार्टन लेने आ गए क्योंकि वो बॉक्स इस बॉक्स के अंदर जाएगा ताकि कैरी करना थोड़ा सा आसान हो जाए। अब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं आगे लंदन पहुंचने के बाद कैसे लेकर जाऊंगा आगे। आई थिंक वी विल हैव टू टेक अ कैब, लेट्स सी। लेकिन पेंटिंग से जानी है साथ। नाउ वी आर हियर टू गेट द बॉक्सेस। शहजाद देख रहा है कि कौन सा बॉक्स सही रहेगा। ये थोड़े छोटे बॉक्सेस हैं। I think the last one might be good enough. Might be, not sure. Let's see. हम इस वक्त वापस जा रहे हैं। जितना भी काम हुआ वो सारा निपटा कर डब्बा पीछे देख सकते हैं आप। और क्या चीजें थी, छोटी मोटी और चीजें लेनी थी लाइक फोन होल्डर एंड ऑल, वो सब लेकर अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। घर जाएंगे, चाय शाय पियेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है इस ब्लॉग के अंदर। ये अपडेट है आपकी बस। और ट्रैफिक भी देखना, थोड़ा चलता हुआ ट्रैफिक है, चलता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आए हैं इस वक्त आर्केड जहां पर अमल मुझे लेके घूम रही है हर जगह। दिस इज फुटबॉल अमल। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए आए हैं लेकिन 40 मिनट का वेट टाइम है, तो इसलिए अमल को थोड़ा सा गेम्स खिलाने के लिए शहजाद लेकर आए यहाँ पर। और अमल मुझे अपने साथ लेकर जा रही है। लेट्स हैव सम फन बिफोर वी लीव दुबई। Begin. Air hockey, Kaval versus Zeeshan. Let's do it. Supersonic. Here. बहुत अच्छी तरह से खेलते हुए अपना फर्स्ट गोल जीशान का वहां नीचे। गुड जॉब, देखते हैं जीतता कौन है। कवल ने बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाते हुए गोल कर दिया। और ये गोल पे गोल चल रहा है यहाँ पर। और ये वाला गेम जो है जीशान जीत चुके हैं और अब जीशान का मैच हो रहा है मेरे साथ जो कि मैं जीतने वाला हूँ।
judges is Silky. No, mine are Silky Smooth. She's garnishing your castle with some sand. Oh, okay. It's sprinkling. Yeah, Amal, destroy her castles, please. Oh, no. You started the race without knowing the rules, so it's your fault. It's not my fault. Personally. Mine is bigger. Good, good. I think we have enough content from the beach. So we are officially signing off from the beach. हम एंजॉय करेंगे और फिर आपसे आगे मिलेंगी ब्लॉग के अंदर. थैंक यू सो मच साशा फॉर द वीडियो मेकिंग टेक्निक, क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं अब. सी यू इन अ बिट, बाय. दैट इज इट. आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू लाइक दिस वन देन प्लीज मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद पीपल हु यू थिंक विल लाइक दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट. हमारी हबीबी लेट्स गो टू दुबई सीरीज के अंदर अब कुछ ही वीडियोस रह गई हैं, तो एक नई वीडियो के साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन अपना ख्याल रखें. मुझे कहता हूं सामन सिद्दीकी एंड दैट्स हाउ आई डू माय थिंग.